Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. स्वयं प्रभा में आपका स्वागत है मेरा नाम डॉक्टर सुमिति आहूजा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सहायक प्राध्यापक हूँ आज मैं आपके समक्ष संविदा विधि के छठे व्याख्यान जिसका शीर्षक है स्वतंत्र सम्मति को प्रस्तुत करने वाली हूँ सबसे पहले हम देखते हैं कि इस व्याख्यान की विषय सूची क्या होगी सम्मति यानी कि कंसेंट और स्वतंत्र सम्मति यानी कि फ्री कंसेंट की परिभाषा जिसका मतलब है उनका मीनिंग प्रपीड़न यानी कि कोर्जन कोर्जन की परिभाषा और अंग्रेजी कानून के साथ उसकी तुलना फिर हम पढ़ेंगे अनुचित प्रभाव यानी कि असम्यक असर जिसका मतलब है अनड्यू इन्फ्लुएंस उसकी परिभाषा और अनुचित प्रभाव का अनुमान यानी कि प्रिजम्पन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस और अविवेकी सौदेबाजी यानी कि अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स फिर उसके बाद हम देखेंगे धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड उसकी भारतीय संविदा अधिनियम में क्या परिभाषा है फिर देखेंगे गलत बयानी की यानी कि रिप्रेजेंटेशन उसकी परिभाषा फिर धोखाधड़ी और गलत बयानी के बीच का अंतर आखिर में हम समझेंगे कि गलती यानी कि मिस्टेक के में भारतीय संविदा अधिनियम जो है उसकी क्या परिभाषा बताता है और कानून की गलती और तथ्य की गलती दोनों में से कौन सा भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉयडेबल बनाता है वॉइड बनाता है सबसे पहले सम्मति और स्वतंत्र सम्मति इसका अर्थ समझेंगे इसकी परिभाषा क्या है भारतीय संविदा अधिनियम में उसे समझने की कोशिश करेंगे भारतीय संविदा अधिनियम सो की धारा दस स्वतंत्र सम्मति को वैध अनुबंध की अनिवार्य आवश्यकता घोषित करती है मैंने आपको पहले नहीं बताया पर एक बार अब बताऊंगी जब हम धारा 10 जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 है जो कि आपको अनुबंध की अनिवार्य आवश्यकता आवश्यकताओं के बारे में बताती है जिनमें से एक स्वतंत्र सम्मति है आप वो गौर से देखेंगे तो हम हमेशा अपने विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वहाँ पर थ्री सीज यानी कि तीन सी के बारे में जिक्र है पहला हमने पढ़ा था प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन दूसरा हमने पिछले व्याख्यान में समझा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध में बंधने की क्षमता तीसरा हम अब देख रहे हैं जो कि है कंसेंट धारा तेरा सम्मति को परिभाषित करती है यानी कि जो धारा तेरा है भारतीय संविधान अधिनियम की वो सम्मति यानी कि कंसेंट की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा आपको बताती है देखते हैं वे क्या है दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जब वे एक ही अर्थ में एक ही बात पर सहमत होते हैं जिसे हम कहते हैं अग्रींग ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस जिसे मैंने आपको बताया था कि लैटिन भाषा में कंसेंसस एड ईडम यहाँ अंग्रेजी में मीटिंग ऑफ माइंड भी कहा जाता है क्योंकि ये एक बहुत आवश्यक चीज है जिसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि दो लोगों दो व्यक्तियों के बीच में अनुबंध तब भी हो सकता है जब वे दोनों अपनी सहमति से एक अनुबंध में बंधना चाहते हैं उनकी मंजूरी जो अनुबंध में बंधने की है वह उनकी खुशी उनके द्वारा दी गई है किसी जोर जबरदस्ती या किसी धोखाधड़ी के तहत नहीं दी गई धारा तेरह के बाद धारा चौदह स्वतंत्र सम्मति की अवधारणा प्रदान करती है यानी कि धारा तेरह जो आपको सम्मति यानी कि कंसेंट के बारे में बताती है धारा चौदह आपको स्वतंत्र सम्मति यानी कि फ्री कंसेंट फ्री कंसेंट क्या होता है वो बताती है कंसेंट का मतलब दो व्यक्तियों की सम, सम्मति एक ही विषय पे एक ही समय पे एक ही तरह की एक ही तरह से और जो फ्री कंसेंट की हम बात कर रहे हैं वो एक अनिवार्य आवश्यकता आपकी धारा दस जो कि एक समझौते को अनुबंध कब बन कब कहते हैं कब बनता है उसमें एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि है फ्री कंसेंट कंसेंट का मतलब मंजूरी है बट सिर्फ मंजूरी काफी नहीं है वो मंजूरी या वो सहमति फ्री होनी चाहिए यानी कि आपकी मर्जी से दी गई होनी चाहिए किसी की जोर जबरती जबरदस्ती द्वारा भी आप कंसेंट दे सकते हैं बट हम उस कंसेंट की बात नहीं कर रहे हम कह रहे हैं कि फ्री कंसेंट होना चाहिए यानी कि अपनी मर्जी से आप उस अनुबंध में बंधने के लिए राजी हुए हैं सहमति को तब स्वतंत्र कहा जाता है जब वह निम्नलिखित के कारण ना हो धारा 14 जो आपके भारतीय संविदा अधिनियम में है जो फ्री कंसेंट के बारे में आपको बताती है वहां पर यह नहीं लिखा कि फ्री कंसेंट का मतलब क्या है वो ये बताती है कि फ्री कंसेंट कब हो सकता है या फिर कंसेंट फ्री कब नहीं हो सकता आप देख ही रहे सहमति को तब स्वतंत्र कहा जाता है जब वह निम्नलिखित के कारण ना हो सबसे पहला प्रपीड़न जैसे कि धारा पंद्रह में परिभाषित किया गया है यानी कि कोई कंसेंट यानी कि सम्मति प्र, प्रपीड़न के वजह से ना दी गई हो यानी कि कोअर्जन प्रपीड़न यानी कि कोअर्जन तो जो आपका कंसेंट या सम्मति कोअर्जन की वजह से दी गई है यानी कि जोर जबरदस्ती की वजह से दी गई है तब कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा और धारा पंद्रह भारतीय संविधान अधिनियम में प्रपीडन यानी कि कोर्जन की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन के बारे में आपको बताती है दूसरा है अनुचित प्रभाव यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस जैसा कि धारा सोलह में परिभाषित किया गया है यानी कि धारा सोलह भारतीय संविदा अधिनियम अनुचित प्रभाव यानी कि अंड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइन करती है यानी कि उसकी परिभाषा बताती है तीसरा है धोखाधड़ी धोखाधड़ी यानी कि जो धारा में परिभाषित किया गया है। चौथा है गलत बयानी यानी कि रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड भी यानी कि धोखाधड़ी भी एक तरह का गलत बयानी ही है पर उसमें कुछ और भी है जानबूझ के किया गया हम उसका हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि धोखाधड़ी और गलत बयानी में अंतर क्या होता है गलत बयानी जैसे कि धारा 18 में परिभाषित किया गया है और अंत में आप देखेंगे गलती यानी कि मिस्टेक जो कि धारा 20, 21 और 22 के प्रावधानों के अधीन है अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े अगर आपने गौर से ये लास्ट पॉइंट देखा तो आपने ये जाना होगा कि जब हमने एक दो तीन और चार यानी कि प्रपीड़न अनुचित प्रभाव धोखाधड़ी या गलत बयानी के बारे में देखा तो वहां जिस शब्द का प्रयोग था वो था परिभाषा यानी कि धारा पंद्रह को डिफाइन करती है उसकी परिभाषा बताती है धारा सोलह अनुचित प्रभाव की परिभाषा बताती है धारा सत्रह धोखाधड़ी की परिभाषा बताती है उसी तरह धारा अठारह गलत बयानी की परिभाषा यानी कि उसकी डेफिनेशन बताती है पर आप अगर यहाँ पे आकर देखे गलती जहां लिखा यानी कि मिस्टेक तो वो ये लिखता है वो ये नहीं बताता कि गलती की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा जैसे कि धारा बीस इक्कीस या बाईस में दी गई है वहां बस ये लिखा है कि गलती जो कि धारा बीस इक्कीस और बाईस के प्रावधानों के अधीन है यानी कि सब्जेक्ट टू सेक्शन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू ऐसा क्यों है हम आगे देखेंगे भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 19 और 19 ए समझौता अन्य पक्ष के विकल्प पर शून्य करणीय अनुबंध है जिसकी सहमति जबरदस्ती धोखाधड़ी गलत बयानी या अनुचित प्रभाव के कारण हुई थी इसका मतलब ये है कि जो भारतीय संविदा अधिनियम की धाराएं 19 और 19 ए हैं वह यह बताती है कि अगर अगर दो व्यक्ति एक अनुबंध में बंधे हैं और उनमें से एक व्यक्ति की जो सम्मति है वो जबरदस्ती धोखाधड़ी गलत बयानी या अनुचित प्रभाव के द्वारा दी गई है के द्वारा हासिल की गई है ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉयडेबल है यानी कि शून्य कर्णीय अनुबंध कहलाता है मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि वोडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शून्य कर्णीय अनुबंध का क्या तात्पर्य है अगर मैं आपको फटाफट एक बार ये दोबारा से याद दिला दूं कि शून्य करणीय अनुबंध का मतलब क्या है क्योंकि ये चीज हम आगे भी पढ़ेंगे देखिए, शून्य कर्णीय मैंने आपको नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन किया भी हुआ है धारा टू आई यानी कि दो क्लॉज आय जो भारतीय संविदा अधिनियम में है वहां पर शून्य करणीय अनुबंध की परिभाषा दी गई है उसे समझने की कोशिश करते हैं पहले फिर हम आगे बढ़ेंगे यह शून्य करणीय अनुबंध को परिभाषित करता है और उस पार्टी को विकल्प यानी कि ऑप्शन देता है जिसकी सहमति स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है यानी कि किसी ने कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं दी उसकी कंसेंट या उसकी सम्मति जोर जबरदस्ती या फ्रॉड अथवा द्वारा दी गई है विकल्प यानी कि जो उसको ऑप्शंस अब है, जिसकी सम्मति फ्री या स्वतंत्र रूप से नहीं दी गई उस व्यक्ति के पास दो विकल्प यानी कि दो ऑप्शन है देखते हैं वे दो विकल्प या दो ऑप्शंस क्या हैं? या तो इसे जारी रखा जाए यानी कि जिस अनुबंध में वो बंध चुका है कोई बात नहीं कि उसका सहमति जो दी गई थी वह स्वतंत्र नहीं भी थी पर फिर भी वो अब इस अनुबंध में बंध चुका है और वह चाहता है कि उसे जारी रखा जाए और छूट दी जाए यानी कि वो वेवर एक्सरसाइज करे और कहे कोई बात नहीं मुझे किसी तरह का मुनाफा तो हो ही रहा है कम या ज्यादा कोई बात नहीं पर कुछ तो मुझे इस अनुबंध में से मिल रहा है ऐसी स्थिति में पहला विकल्प ये है कि आप उसी अनुबंध से बंधे रहें तो वो अनुबंध फिर वॉयडेबल ना होके एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है, दूसरा, दूसरा विकल्प ये है कि अनुबंध को समाप्त कर दिया जाए अगर वो व्यक्ति जिसकी सहमति स्वतंत्र नहीं थी जोर जबरदस्ती द्वारा दी गई थी ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास दूसरा विकल्प ये है कि वो ये अनुबंध को समाप्त कर दे और ये कहे कि अब वो उस अनुबंध से बंधे नहीं रहना चाहता तो ऐसी स्थिति में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है अब हम देखते हैं कि प्रपीड़न की क्या परिभाषा है भारतीय संविदा अधिनियम में और प्रपीड़न कैसे ड्यूरेस ड्यूरेस यानी कि प्रपीडन को अंग्रेजी आ, कानून में ड्यूरेस कहा जाता है तो प्रपीड़न और ड्यूरेस में क्या अंतर होता है उसे भी समझेंगे प्रपीडन की परिभाषा प्रपीडन धारा पंद्रह संविदा अधिनियम की धारा पंद्रह के तहत समझाया गया है देखते हैं क्या कहता है प्रपीड़न का अर्थ है भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी द्वारा निषिद्ध किसी भी कार्य को करना यानी कि कोई ऐसा एक्ट जो आपकी भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी इंडियन कोड पनिश करता है, वो करना या उसे करने की धमकी देना थ्रेट करना सामने वाले को थ्रेटन करना उसको धमकी देना कि अगर उसने अपनी सहमति नहीं दी उस अनुबंध में आने के लिए बंधने के लिए तो सामने वाला व्यक्ति या तो कोई निश्चित कार्य करके उसकी वे सहमति लेता है या उसको धमकी देता है कि वो निश्चित कार्य करेगा जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति डर के अपनी सहमति देता है या किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के इरादे से किसी भी संपत्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लेना यानी कि अनलॉफुल डिटेंशन वे संपत्ति आपकी नहीं है वो कानूनी तौर पे आपकी नहीं है आपका उस संपत्ति पे कोई हक नहीं है पर आप ये चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जिसकी वह संपत्ति है वो वो व्यक्ति आपके साथ अनुबंध में बंधने के लिए राजी हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप ये आप उसकी जो संपत्ति है उसे गैर कानूनी रूप से हिरासत में ले लेते हैं यानी कि डिटेन कर लेते हैं अनलॉफुली या फिर आप उस व्यक्ति को धमकी देते हैं कि आप उसकी संपत्ति को गैर गैर कानूनी रूप से अपनी हिरासत में ले लेंगे चारों चारों में से चारों जो हमने यहाँ पे विकल्प पढ़े पहला कि यहाँ तो आप निषिद्ध कार्य करते हैं जिससे कि सामने वाला सहमति देता है या फिर आप निषिद्ध कार्य करने की धमकी देते हैं या फिर आप सामने वाले की संपत्ति गैर कान, गैर कानूनी रूप से अपने हिरासत में ले लेते हैं या आप सामने वाले को धमकी देते हैं कि आप उसकी संपत्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में ले लेंगे और ये चारों आप आप तब करते हैं जब आप उस व्यक्ति की सहमति लेना चाहते हैं कि वो उस अनुबंध में आपके साथ बंध जाए या उस करार में आपके साथ बंधने के लिए राजी हो जाए स्पष्टीकरण यानी कि अ पंद्रह है आपके भारतीय संविदा अधिनियम में उसमें प्रपीड़न की परिभाषा के बाद स्पष्टीकरण यानी कि जिसे हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन वो दिया गया है जिसमें लिखा है इस बात का कोई महत्व नहीं है यानी कि इट इज इमरियल की, की भारतीय दंड संहिता उस स्थान पर प्रवृत्त है या नहीं जहाँ प्रपीड़न का प्रयोग किया गया हो जिसका अर्थ ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या इट इज इमीरियल कि जिस जगह पर यह घटना हुई है जहां पर किसी व्यक्ति की जोर जबरदस्ती से सहमति ली गई है एक अनुबंध में बंधने के लिए उस जगह पर उस स्थान पर भारतीय दंड संहिता उस स्थान पर प्रवृत्त है या नहीं यानी कि एप्लीकेबल है या नहीं अब हम कुछ उदाहरण को समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है प्रपीडन का वो क्लियर होगा पहला पिस्तौल से गोली चलाकर जान से मारने की धमकी चोट पहुंचाने की धमकी देकर या फिर किसी व्यक्ति के घर में आग लगाने की धमकी देकर सहमति प्राप्त की जाए उसे हम कहते हैं कि प्रपीडन द्वारा यानी कि कोर्जन एक्सरसाइज करके आपने सामने वाले की सहमति प्राप्त करी है अगर आपने ये नहीं किया होता तब वे व्यक्ति अपनी मर्जी से या अपनी स्वतंत्र सहमति से कभी भी उस अनुबंध में बंधने की सहमति नहीं देता कभी भी उस अनुबंध में बंधने के लिए राजी नहीं होता हमने एक यहां पर आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ सेकंड पॉइंट में एक केस लॉ लिखा है यानी कि एक जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है मद्रास कोर्ट का मद्रास कोर्ट का जिसका नाम है चिखम अमीराजू बनाम चिखम शेषम्मा देखते हैं इसमें क्या हुआ था एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की धमकी दी अगर उसकी पत्नी और बेटे ने कुछ संपत्तियों के संबंध में उसके भाई के पक्ष में रिहाई विलेख यानी की रिलीज डीड करने से इनकार किया तो तो इस केस में ये हुआ था कि एक व्यक्ति एक आदमी जो जो चाहता था कि कुछ संपत्तियां उसके खुद की पत्नी और बेटे के पास थी वो चाहता था कि उसके भाई उस व्यक्ति के भाई के पक्ष में वे संपत्तियां कर दी जाएं यानी कि एक रिलीज डीड उसके भाई के फेवर में हित में कर दिया जाए जिससे कि वे संपत्तियां उसके भाई की हो जाए और ये ना करने पर उस व्यक्ति ने खुद की हत्या यानी कि आत्महत्या करने की धमकी दी जिससे कि उसकी बीवी और उसका बेटा ये करने के लिए राजी हो जाए तो जो मद्रास हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट ने कहा मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय ये था कि आत्महत्या की धमकी धारा पंद्रह के तहत आती है कवर होती है और रिहाई विलेख जो कि इस जबरदस्ती इस इस डर की वजह से जो आ, जो उस व्यक्ति के आ, पत्नी और बेटे ने रिलीज डीड साइन कर दी थी उसकी आत्महत्या की धमकी से कोर्ट ने उस रिलीज डीड को भी रद्द कर दिया ये कहकर कि उस की आ, जो पत्नी और बेटा थे उन्होंने अपनी सहमति से वो कागजी कार्रवाई नहीं करी थी जबकि उन्होंने ये नहीं किया होता अगर उस व्यक्ति ने आत्महत्या की धमकी नहीं दी होती तो आत्महत्या की धमकी को भी धारा पंद्रह के तहत कवर किया गया है और इस केस में जो पत्नी और बेटा थे उनके पक्ष में कोर्ट ने निर्णय लिया अब हम आगे देखते हैं कि जब हम कहते हैं डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि गैर कानूनी रूप से किसी की संपत्ति को अपनी हिरासत में रखना तो डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है और एक उदाहरण के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे संपत्ति का निरोध यानी कि डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्स एक्स नामक व्यक्ति ने तीस हजार रुपए में वाई नामक व्यक्ति के साथ गहने गहनों का एक टुकड़ा गिरवी रखा उसके पास एक गहनों का टुकड़ा एक पीस ऑफ ज्वेलरी कुछ भी कंगन झुमके कोई एक गहना गिरवी रखा जब एक्स इसे वापस लेने के लिए जाता है यानी कि पैसे वापस करके वापस अपना गहना लेने जाता है तो गिरवी रखने वाला यानी कि वाई जोर देकर कहता है कि एक्स द्वारा वाई पर पांच हजार की अतिरिक्त राशि भी बकाया थी यानी कि जब आपने ये ज्वेलरी गिरवी रखी जो आपने ये अपना गहना गिरवी रखा, तो जो पैसा आपको दिया गया था वो तो है ही है पर उसके अतिरिक्त उसके अलावा पांच हजार आपके और बकाया है। जब तक आप वो नहीं देंगे तब तक आपको आपका ये गहना वापस नहीं किया जाएगा ऐसे में जो एक्स नामक व्यक्ति था उस, उसने वो अतिरिक्त राशि का भुगतान किया क्योंकि उसे अपने जो गहना था वो वापस चाहिए था तो उसने वो अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जबरदस्ती जोर जबरदस्ती की वजह से उसे वे करना पड़ा और बाद में इसे वसूलने के लिए उसने मुकदमा दायर किया यानी कि उसने उस वक्त पांच हजार रुपए दे दिए पर बाद में और अपना गहना छुड़वा लिया उसके बाद वो कोर्ट जाता है न्यायालय जाता है और वो ये पैसे जो पांच हजार उसने अतिरिक्त जिसका भुगतान किया था वो पैसे वो वापस हासिल कर सकता है मैंने पूछा है यहाँ पर कि क्या वह सफल होगा तो इसका जवाब है कि वो सफल होगा अब हम आते हैं अंग्रेजी कानून के साथ तुलना पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जिसे हम प्रपीड़न कहते हैं भारतीय संविधा अधिनियम में यानी कि क्वर्जन कहते हैं उसे अंग्रेजी कानून के अंतर्गत ड्यूरेस कहा जाता है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे ड्यूरेस कहा जाता है प्रपीड़न में संपत्ति का अवैध निरोध शामिल है लेकिन अंग्रेजी कानून के तहत अनुपस्थित है यानी कि हम कुर्जन में कहते हैं यानी कि प्रपीड़न में कहते हैं कि जरूरी नहीं आप किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई जो भारतीय दंड संहिता में कोई निषेध कार्य है वही करें या वो करने की धमकी दे उसके अलावा आप किसी की संपत्ति को गैर कानूनी रूप से अपनी हिरासत में रख सकते हैं अब ये चीज देखिए जो हमारा भारतीय जो कानून है प्रपीडन के बारे में जो जिक्र करता है उसके अंतर्गत अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी भी आता है जबकि ड्यूरेस के अंदर वो अनुपस्थित है प्रपीड़न उस व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है जो अनुबंध के लिए पार्टी नहीं है यानी कि जैसे मेरे और सामने सामने मैं चाहती कि वाला व्यक्ति मेरे साथ एक अनुबंध में बंधे यानी कि हम दोनों के बीच में करार हो और मैं चाहती हूँ कि पर वो खुद से अपनी सहमति नहीं देगा मुझे ये भी पता है तो मैं खुद से उसको नुकसान पहुंचाने की बजाय किसी और के द्वारा उसको नुकसान पहुंचा सकती हूँ जिससे कि वो अपनी सहमति दे और मेरे साथ उस अनुबंध में बंधे तो ये चीज का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि मैं किसी और से भी वो जोर जबरदस्ती करवा सकती हूँ उस व्यक्ति को या फिर मैं किस किसी और व्यक्ति से उसके जो रिश्तेदार है उनको भी जोर जबरदस्ती करवा सकती हूँ जिसका प्रभाव उस आदमी पे पड़ेगा और वो अपनी सहमति देगा मेरे साथ अनुबंध में बंधने के लिए अब हम आते हैं अनुचित प्रभाव यानी कि असम्यक असर जिसे हम कहते हैं अंडियो इन्फ्लुएंस पे जो कि भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी कि भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 16 के तहत दिया गया है जिसके अंतर्गत तीन उपधाराएं हैं यानी कि तीन सबसेक्शन है पहला तो ये तीन सबसेक्शन जो है पहले इसका उल्लेख कर पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ फिर इसको डिटेल में विस्तार से हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो उपधारा है सबसेक्शन वन जो है धारा सोलह में वो बताता है आपको कि अंडू इन्फ्लुएंस यानी कि अनुचित प्रभाव का मतलब क्या है क्या क्या चीज का क्या चीजों का होना अनिवार्य है ये कहने के लिए कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर करके उसकी सहमति उस अनुबंध के लिए ली है तो जिसे हम कहते हैं अनुचित प्रभाव की परिभाषा जो है वो पहली उपधारा के अंतर्गत दी गई है जो दूसरी उपधारा है जो कि दूसरा सबसेक्शन है धारा 16 में वो आपको वो आपको पहले ही सबसेक्शन यानी कि पहली उपधारा और विस्तार से बताता है जब हम ये कहते हैं कि अनुचित प्रभाव तो पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हम किस प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं तो वो चीज का जिक्र आपको दूसरी उपधारा में मिलेगा और जो तीसरी उपधारा है यानी कि सबसेक्शन थ्री है धारा सोलह में वो आपको ये बताता है कि प्रिजम्पन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है यानी कि अनुचित प्रभाव का अनुमान जिसे हम कहते हैं उसका क्या तात्पर्य है और उसके अलावा अनकॉन्शनेबल बार्गेन का मतलब क्या होता है अब हम एक एक करके इन्हें समझते हैं पहली उपधारा एक अनुबंध को अनुचित प्रभाव से प्रेरित कहा जाता है जहां पर पार्टियों के बीच यानी कि पक्षों के बीच संबंध ऐसे होते हैं कि पार्टियों में से एक, एक दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में होता है यानी कि जिसे हम कहते हैं डोमिनेंट पोजीशन में होता है डोमिनेंट पोजीशन में होता है यानी कि सबसे सरल इसका आप समझिए जो माता पिता और बच्चा वहां पर भी जो माता पिता है वो एक डोमिनेंट पोजीशन में ही है अपने बच्चे के और दूसरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो आपके जिनके यहां पर आप काम कर रहे हैं वो आपके ऊपर डोमिनेंट पोजीशन रखते हैं और उस स्थिति का उपयोग दूसरे पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए करता है तो सिर्फ पहली चीज जरूरी नहीं है दूसरी चीज भी होनी चाहिए तो हमें हम ये कह रहे हैं कि वन वन प्लस टू दोनों पॉइंट्स का होना जरूरी है यानी कि फिर से देखें पार्टियों में से दोनों पार्टियों में से एक या एक पार्टी दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में होती है केवल ये जरूरी नहीं है इसके अलावा ये भी देखना है क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं हम सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं अगर हम सिर्फ पहला पॉइंट मान के चले तो वो इन्फ्लुएंस के बारे में बता रहे हैं हम अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट का भी होना जरूरी है जहां ये लिखा है कि वो उस स्थिति का उपयोग करके अपने लिए एक अनुचित लाभ प्राप्त करता है यानी कि एक अनड्यू बेनिफिट यानी कि एक अनजस्ट एनरिचमेंट जिसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति कानूनी तौर पर उस लाभ को प्राप्त करने के योग्य नहीं है पर वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करके उपयोग करके वो लाभ को अनुचित तरीके से हासिल करता है तो ये दो कंपोनेंट्स या ये दो जरूरतें हमें देखनी है उपस्थित होनी चाहिए किसी भी सिचुएशन में अगर हमें ये कहना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया गया है अब जो हमारा दूसरा सबसेक्शन यानी कि दूसरी उपधारा है वहां पे हम देखें क्या लिखा है विशेष रूप से और पूर्वगामी सिद्धांत की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक व्यक्ति को दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में माना जाता है जिसका मतलब यह है कि पहली उपधारा में जो भी लिखा हो ये जो दूसरा पॉइंट है वो पहली उपधारा को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि उसमें एडिशन कर रहा है पहली धारा जो पहली जो उपधारा है वो जनरल है ये उसको सप्लीमेंट कर रही है आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया पहले पॉइंट में ये लिखा है कि एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में है अब हमें ये जानना है कि उसका मतलब क्या है हावी होने की स्थिति में कौन आ सकता है उसका मतलब क्या है वो जानकारी आपको दूसरी उपधारा में मिलेगी पहला जहां वह दूसरे पर वास्तविक या स्पष्ट अधिकार रखता है यानी कि रियल या फिर अथॉरिटी रखता है या जहां वह दूसरे के लिए एक प्रत्यय संबंध में खड़ा यानी कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप यानी कि भरोसे ऐसी दोनों के बीच में रिलेशन है कि एक दूसरे पे भरोसा करता है जैसे कि आप डॉक्टर पेशेंट की बात कर लीजिए एक पेशेंट को अपने डॉक्टर पे पूरा पूरा भरोसा होता है और आप एक वकील और उसके क्लाइंट के बारे में भी बोल सकते हैं वहां पर एक क्लाइंट को अपने वकील पर पूरा भरोसा होता है एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है उनमें दूसरा जहां वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध करता है जिसकी मानसिक क्षमता यानी कि मेंटल कैपेसिटी उम्र बीमारी या मानसिक या शारीरिक संकट के कारण या स्थाई अस्थाई रूप से प्रभावित होती है यानी कि जो सामने वाली पार्टी है जिसका आपने अनुचित प्रभाव के द्वारा अनुचित प्रभाव के द्वारा उसकी सहमति पाई है प्राप्त करी है वह व्यक्ति जैसा कि आपने पढ़ा वह व्यक्ति मानसिक क्षमता जो उसकी मानसिक क्षमता है वो उम्र बीमारी या मानसिक शारीरिक संकट के कारण टेम्परिली या परमानेंटली डिसेबल्ड है अफेक्टेड है अब तीसरा जो उपधारा है यानी कि हम कहते हैं थर्ड सबसेक्शन ऑफ सेक्शन सिक्सटीन यानी कि धारा सोलह वो कहता है तीसरी उपधारा अनुचित प्रभाव की धारणा या अविवेकी सौदेबाजी की, सौदे की अवधारणा से संबंधित है यानी कि जो तीसरी उपधारा है वो दो में दो कॉन्सेप्ट से डील करती है पहला है प्रिजम्पन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस जो कि यहाँ पे लिखा है अनुचित प्रभाव की धारणा प्रिजम्पन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसका मतलब ये है कि दोनों पार्टी के बीच में रिश्ता ही ऐसा है स्थिति ऐसी है कि सामने वाले को देखकर ही एक आशंका हो कि जो व्यक्ति एक हावी होने की पोजीशन में है उसने उसका उपयोग करके लाभ अनुचित लाभ हासिल किया होगा किया हो सकता है और दूसरा है अनकॉन्शनेबल बार्गेन जिसे कहते हैं अविवेकी सौदेबाजी उसका मतलब यह है कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने समझदारी से सूझबूझ से काम लिया होता तो वो कभी भी इस तरह की सौदेबाजी या इस तरह की जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन या इस तरह का अनुबंध कभी भी नहीं करता क्योंकि इसमें उसको केवल नुकसान ही होना है तो जो हमारा तीसरा सबसेक्शन है उसे काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि जनरली क्या होता है एक एक सामान्य जो आ, रूल है वो ये है कि अगर मैं कोर्ट जाके ये बोलू कि ऐसा हुआ है तो मेरे ऊपर ही उस चीज का भार है मुझे कोर्ट के सामने ये साबित करना है कि ऐसा हुआ है और मुझे उससे ये नुकसान हुआ है लेकिन जो आपका तीसरा सबसेक्शन है वो ये कहता है कि आपको जाके कोर्ट में बस ये ये आ, आ, बताना होगा या ये प्रूव करना होगा साबित करना होगा कि आप दोनों के बीच में एक ऐसी पोजीशन है जिसका सामने वाला दुरुपयोग कर सकता है वो पोजीशन अगर आप इस्टेब्लिश कर देते हैं तो सामने वाले के ऊपर वो भार चला जाता है क्योंकि जो आप दोनों के बीच में जो बार्गेन हुआ है सौदेबाजी हुई है अनुबंध हुआ है वो कभी भी एक समझदार व्यक्ति करता ही नहीं तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जिस पर ये आरोप है कि उसने आपको आप आपके अगेंस्ट वो अनुचित प्रभाव डाला है और आपकी जो सहमति है वो हासिल करी है उस व्यक्ति के ऊपर वो भार चला जाता है साबित करने का कि उसने उसने ऐसा कुछ नहीं किया है उसने अपनी पोजीशन का दुरुपयोग नहीं किया है या कोई लाभ हासिल नहीं किया है मैंने आप अपने स्क्रीन में दूसरे और तीसरे पॉइंट पे देख सकते हैं दो जजमेंट दो केस लॉ लिखे है रघुनाथ प्रसाद बनाम सरजू प्रसाद और सुभाष चंद्र दास मुशीब बनाम गंगा प्रसाद देखते हैं बहुत बहुत सरलता से मैंने यहाँ पर इन दोनों ही केसों केसेस का मामलों का व्याख्यान किया है देखते हैं किस बारे में थे ये केसेस पहला रघुनाथ प्रसाद बनाम सरजू प्रसाद इस मामले में पैसा ब्याज की उच्च दर पर उधार दिया गया था अदालत ने कहा कि पहली बात जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह है पक्षों के बीच का संबंध यह माना गया कि अनुचित प्रभाव का अनुमान मौजूद नहीं है यानी कि इस केस में जो न्यायालय था उसने ये निर्णय दिया कि अनुचित प्रभाव का अनुमान मौजूद नहीं है यानी कि प्रिजम्पन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इस केस में जो जो व्यक्ति ये कह रहा था कि अंडी इन्फ्लुएंस है वो उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं था ये दिखाने के लिए कि जो पहला पॉइंट था मैंने आपको बताया कि भाई ऑफ इन्फ्लुएंस तो आप तब बोलेंगे जब पहले आप ये साबित करेंगे या दूसरे व्यक्ति के ऊपर भार तो तब जाएगा जब आप पहले ये साबित करने में सक्षम होंगे कि आप दोनों के बीच का रिश्ता ऐसा है कि एक व्यक्ति दूसरे ऊपर दूसरे के ऊपर हावी होने की स्थिति में है वो इस केस में प्रूव ही नहीं हो पाया था क्योंकि जो व्यक्ति ये चीज कह रहा था कहना चाह रहा था वो व्यक्ति के पास कोई सबूत ही नहीं था कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जिसकी वजह से उसके हित में कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया कोर्ट ने कहा कि प्रिजर्म्सन ऑफ एंडी इन्फ्लुएंस नहीं है दूसरा केस है सुभाष चंद्र दास मुशीब बनाम गंगा प्रसाद दास मुशीब इस, इस केस में यह हुआ कि एक दादाजी ने अपनी संपत्ति का एक बहुत ही बहुमूल्य हिस्सा अपने इकलौते पोते को उपहार में दे दिया था, जिसके बाद उसी पोते के जो चाचा थे, उन्होंने इस बात को क्वेश्चन किया प्रश्न उठाया कि जो उसके पिता थे उनके उनसे उनके ऊपर अनुचित प्रभाव डालकर वो लाभ हासिल किया गया था पर इस केस में इस मामले में न्यायालय ने माना कि अनुचित प्रभाव का कोई अनुमान नहीं था क्यों क्योंकि इस व्यक्ति ने जो दादाजी थे उस बच्चे के उन्होंने उनका अपने पोते के प्रति बहुत ही स्नेह था और वो पूरी सूझबूझ में थे वो खुद ही अपने बिजनेस में बिजनेस को संभालते थे ध्यान देते थे उस बिजनेस में उनकी उम्र हालांकि ज्यादा थी पर फिर भी वो पूरी उनकी सोचने समझने की शक्ति अभी भी बिल्कुल दुरुस्त थी और उसी स्थिति में उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अपनी एक बहुत ही बहुमूल्य जो प्रॉपर्टी है संपत्ति है उसका हिस्सा अपने एक लौते पोते जिसके प्रति वो बहुत ही ज्यादा स्नेह रखते थे उसको देना चाहते थे तो कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई गलती नहीं है अब ऐसा अगर होता कि कोई एक पोता या कोई एक बेटा जोर जबरदस्ती से ऐसा साबित कर दिया जाता कि जोर जबरदस्ती से दबाव डालकर बहुत ही बूढ़े माता पिता है उन पे जोर जबरदस्ती दबाव डालकर उनसे अपने नाम वसीयत लिखवाई उनसे वसीयत लिखवा दी जाती है जिसके अंतर्गत सारा प्रॉपर्टी जो है सारी संपत्ति जो है उनकी आपने अपने नाम कर ली तब आप जरूर कह सकते हैं कि अंडियो इन्फ्लुएंस है बाकी ऐसे स्थिति में जो हमने अभी देखा मुशीब बनाम मुशीब के मामले में वहां कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था अगर एक दादे दादाजी ने पोते के नाम ऐसा कुछ भी किया तो उसमें कोई गलत नहीं है अब हम आते हैं धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड के ऊपर ये तो हम सब जानते हैं हम इसको 400 सौ बीसी भी बोलते हैं उल्लू बनाना बोलते हैं किसी को धोखा देना बोलते हैं अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे यानी कि सामने वाले पक्ष की सामने वाले व्यक्ति की जो सहमति उस अनुबंध को दी गई है वो धोखाधड़ी की वजह से दी गई है क्योंकि आपने उस व्यक्ति के साथ धोखा किया है जिस वजह से उस व्यक्ति ने आपको सहमति दी है अगर धोखा नहीं किया होता और उस धोखे से वह व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ होता तो वह इस तरह का निर्णय कभी नहीं लेता तो भारतीय संविधान अधिनियम अठारह की धारा सत्रह के तहत ये धोखाधड़ी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी परिभाषा दी गई है मैंने पूरा डिटेल ना लिखते हुए जो उस धारा के जो या जो या अनिवार्य चीजें हैं उनका उल्लेख किया है वो एक बार समझते हैं पहला एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए और यह गलत होना चाहिए यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि कब कह सकते हैं हम कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के खिलाफ फ्रॉड किया है सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है या जो जो सबसे पहले जो चीज अनिवार्य है वो यह है कि एक प्रतिनिधित्व निधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और ये गलत होनी चाहिए यानी कि आप किसी व्यक्ति को कुछ बोलते हैं कुछ बात बताते हैं और आप जानते हैं कि वह झूठ है पर आप दूसरे व्यक्ति को वो चीज तब भी बताते हैं किसी वजह से प्रतिनिधित्व भौतिक तथ्य यानी कि मटेरियल फैक्ट से संबंधित होना चाहिए मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि रिलेटेड टू वो अनुबंध जो आप उस व्यक्ति के साथ जिसमें बंधना चाहते हैं तीसरा है कि अनुबंध के समापन से पहले अन्य पक्ष को इस पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए उसका मतलब ये है कि आप अनुबंध में बंधते समय ही जब आप उस व्यक्ति के साथ अनुबंध कर रहे हैं उसे करने के बाद की बात हम नहीं कर रहे उस, उसके करने के दौरान में ये होना चाहिए कि आपने एक प्रतिनिधित्व किया आपने एक आ, कुछ फैक्ट्स जो है उस व्यक्ति के समक्ष रखे और वो जानते हुए कि वो फैक्ट्स जो है झूठे हैं गलत है आपने सामने वाले व्यक्ति को उन पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर दिया और वे व्यक्ति ने उन फैक्ट्स के ऊपर भरोसा करके प्रभावित होकर उनकी वजह से आपको अपनी सहमति उस अनुबंध में बंधने के लिए दी अन्य पार्टी को इस तरह के प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए यानी कि अगर जो उसने उस अनुबंध में बंधने के लिए अपनी सहमति दी है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है जो आपने उसको मिस रिप्रेजेंट किए हैं। देखिए फ्रॉड और रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ते हैं यानी कि धोखाधड़ी और गलत बयानी पर यह समझने की कोशिश कीजिए कि फ्रॉड भी एक तरह का मिस रिप्रेजेंटेशन ही है यानी कि गलत बयानी ही है बस ये है कि फ्रॉड में जब आप गलत बयानी करते हैं वो जान के किसी से कुछ काम निकलवाने के लिए करते हैं यहाँ पे वो काम निकलवाना ये है कि आप चाहते हैं कि वो अपनी सहमति दे आपकी बात मान ले और उस आखिर में दूसरे पक्ष ने इस तरह के प्रलोभन यानी कि इंड्यूसमेंट पर भरोसा किया और उसे धोखा दिया गया ये बहुत जरूरी है कि आपने जो उसके समक्ष जो फैक्ट्स रखे हैं जो तथ्य रखे हैं उन तथ्यों पर ही भरोसा करके उसने ये स्टेप लिया है या उसने अपनी सहमति दी है अगर वो उन तथ्यों पर तथ्यों से प्रभावित नहीं हुआ उसने अपनी मर्जी से अपनी अगर सहमति दी है तब हम नहीं कह सकते कि फ्रॉड हुआ है अब हम देखते हैं गलत बयानी गलत बयानी यानी कि हम जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा अठारह के अंतर्गत दिया गया है जिसके अंतर्गत लापरवाह गलत बयानी और निर्दोष गलत बयानी आती हैं। जब हम फ्रॉड की बात करते मैंने आपको अभी बताया कि वो भी एक तरह की गलत बयानी ही है पर उसमें धोखाधड़ी शामिल है आपने किसी के किसी के अगेंस्ट या किसी को धोखा दिया और आपने उसका जो सहमति है हासिल करी प्राप्त करी यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि लापरवाह यानी कि नेग्लिजेंटली फैक्ट्स जो थे या तथ्य जो थे वो मिसरीप्रजेंट किए हैं और जब आप निर्दोष गलत बयानी कहते हैं निर्दोष का मतलब ही होता है इनोसेंट यानी कि आपने जान के उस व्यक्ति को गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी या गलत तथ्य उसके सामने जान के नहीं रखे आपको भी लगता है कि यही सत्य है और आपने उसके समक्ष वो तथ्य जो है रखे अब एक उदाहरण देखते हैं उस उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि का मतलब क्या होता है। एक्स नामक व्यक्ति जेड से अपनी कार खरीदने के लिए कहता है जो अच्छी स्थिति में है जेड ने यह विश्वास करके कार खरीदी कि कार अच्छी स्थिति में है लेकिन कुछ दिनों के बाद कार ने ठीक से काम नहीं किया और जेड को कार की मरम्मत करा के नुकसान उठाना पड़ा इसलिए यह कार्य गलत बयानी के बराबर है क्योंकि एक्स का मानना है कि कार ठीक से काम करती है लेकिन ऐसा नहीं था ये नहीं है कि जो एक्स है वो जानता था कि उसकी कार जो है बिगड़ी हुई है या ठीक से काम नहीं कर रही या उसमें कुछ दिक्कत है प्रॉब्लम है क्योंकि वो कोई मकैनिक तो था नहीं कि उसको पता हो कि ये दिक्कत हो रही है जब उसने वो कार बेची उसको लगा वो कार बिल्कुल ठीक है जबकि उसके उसके अंदर कोई अंदरूनी दिक्कत थी पर वो ये व्यक्ति नहीं जानता था तो लेकिन उसने सामने वाले के समक्ष तथ्य रखे वो यही थे कि ये कार जो है वो बिल्कुल ठीक से काम कर रही है और इसे खरीदना उचित ही है उसी बात का विश्वा, विश्वास करके जेड ने वो कार खरीदी और जब खरीदी तो कुछ ही दिनों के बाद वो कार ने ठीक से चलना ही बंद कर दिया जिसकी वजह से जेड को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसको उस कार की मरम्मत कराने के लिए खर्चा उठाना पड़ा तो हम कहते हैं कि यहाँ पर गलत बयानी हुई लेकिन निर्दोष गलत बयानी है इनोसेंटली क्योंकि वो व्यक्ति भी यही मानता था कि ऐसा ही है कि उसकी जो गाड़ी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो चला रहा था उसको तो ठीक लगी नहीं पता चला कि अंदर कोई गड़बड़ है कोई गलती है कुछ खराबी है अब हम एक बहुत जरूरी चीज समझने की कोशिश करेंगे जो कि है धोखा धड़ी और गलत बयानी के बीच का जो अंतर है क्योंकि मैं दोबारा से बता रही हूँ कि धोखाधड़ी भी एक तरह की तरह की गलत बयानी ही है जिसमें आप सामने वाले के समक्ष गलत जो तथ्य हैं वो रखते हैं ये है कि धोखाधड़ी में जानबूझ के गलत तथ्य रखते हैं और जो गलत बयानी जो मिसरिप्रेजेंटेशन है उसमें जानबूझ के नहीं या तो नेग्लेजेंटली रखते हैं या फिर आप निर्दोष तरीके से रखते हैं इनोसेंटली रखते हैं पहला डिफरेंस यानी कि पहला अंतर है कि धोखाधड़ी को एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए मनाने के लिए जानबूझकर किए गए धोखाधड़ी के आचरण के रूप में परिभाषित किया गया यानी कि जो उसका मीनिंग है फ्रॉड का, का, उसमें चीज क्लियरली लिखी है कि जान के उस व्यक्ति ने ऐसा किया है जबकि जो मिसरीप्रेजेंटेशन है गलत बयानी है उसके अकॉर्डिंग एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी अन्य पक्ष को प्राप्त करने के प्रयास में किसी अन्य पक्ष की सहमति को प्राप्त करने के प्रयास में एक निर्दोष रूप से झूठा बयान दिया जाए झूठा बयान दिया जा रहा है लेकिन ये समझिए बार बार कह रही हूँ कि वो झूठा बयान जान के नहीं दिया गया है ये एक बहुत बड़ा अंतर है धोखाधड़ी और गलत बयानी में कि धोखाधड़ी में जान के ये किया जाता है जबकि गलत बयानी में जान के नहीं किया जाता है ये दूसरा धोखाधड़ी में पक्ष की सहमति अन्य पक्षों को धोखा देकर प्राप्त की जाती है धोखा देकर प्राप्त की जाती है यानी कि इंटेंशनली डिसीव किया जाता है जान के धोखा दिया जाता है जबकि गलत बयानी यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन में सहमति अन्य पक्षों द्वारा एक पक्ष की गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त की जाती है गलत बयानी है धोखा नहीं है अब है धोखाधड़ी यानी कि पक्ष को हर जाने के लिए दावा करने का अधिकार है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी करके उसकी सहमति एक अनुबंध के लिए हासिल करता है ऐसी स्थिति में अगर ये कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि धोखा किया गया है तो ऐसी स्थिति में जिस पक्ष के खिलाफ धोखा दिया गया है उस पक्ष को हर जाने के लिए दावा करने का भी अधिकार है जबकि अगर हम गलत बयान यानी कि मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उस स्थिति में वह अधिकार नहीं है अब अगला अंतर या आखिरी अंतर जो दोनों के बीच में बहुत जरूरी है वो ये है कि धोखाधड़ी में यह सामान्य परिश्रम के साथ सत्य पाए जाने पर भी शून्य करणीय है यानी कि वॉयडेबल है यानी कि ड्यू केयर एंड कॉशन एक्सरसाइज की जाती तो पता चल जाता कि फ्रॉड हुआ है पर यहाँ लिखा है कि ऐसा अगर किया जाता और पता लग भी जाता तब भी वह शून्य करनी है यानी कि वॉइडेबल माना जाएगा उसका एक ही एक ही वजह है उसकी वो ये है कि एक इंसान ने जान के सामने वाले को धोखा दिया और उसकी सहमति हासिल करी एक अनुबंध के लिए जबकि गलत बयानी यानी कि मिसरीप्रेजेंटेशन में यह कहा जाता है कि यदि उचित परिश्रम से सत्य का पता लगाया जाता तो अनुबंध नहीं है यानी कि नहीं होता। अब हम आते हैं अपने इस व्याख्यान के आखिरी पार्ट पर जो कि डील करता है जो कि बात करता है मिस्टेक की यानी कि जिसे हम कहते हैं गलती अब मिस्टेक जो है वो लॉ को लेके भी होती है मिस्टेक जो है वो फैक्ट को यानी कि तथ्यों को लेके भी होती है पर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कौन सी गलती को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं और कौन सी प्रकार की गलती को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते जब हम कहते हैं कि लॉ यानी कि कानून को लेके कानूनी किसी प्रोविजन को या धारा को लेके गलती हुई है तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि ऐसी गलती को नजरअंदाज नहीं किया जाता क्योंकि जो व्यक्ति जिस देश में रहता है ये कहा जाता है कि उसे वहां के कानून की जानकारी होनी चाहिए जब हम फैक्ट की बात करते हैं कोई भी गलती अगर किसी तथ्य को लेकर हुई है तो ऐसी गलती को नजरअंदाज किया जा सकता है अब उसमें भी आगे दो पहलू हैं उन्हें हम समझेंगे अब हम देखते हैं आगे गलतियां दो प्रकार की होती है जैसा मैंने आपको बताया एक कानून की किसी धारा को लेकर गलती और दूसरी है तथ्यों को लेकर गलती यानी कि फैक्ट को लेकर गलती धारा 20 जो है भारतीय संविदा अधिनियम में वो यह कहती है कि समझौता शून्य हो जाता है यानी कि वॉइड हो जाता है एक अग्रीमेंट जहां दोनों पक्ष तथ्य के मामले के रूप में गलती के अधीन है जिसे हम कहते हैं बायोलेटरल मिस्टेक यानी कि दोनों ही पक्षों ने दोनों ही पार्टीज ने उस तथ्य को लेकर जो जानकारी उनके पास है दोनों की ही जानकारी उस तथ्य को लेकर गलत है तो ये बायोलेटरल गलती है मिस्टेक ऑफ़ फैक्ट जिससे हम कहते हैं वो है ऐसी स्थिति में जो समझौता है उसे शून्य करार कर दिया जाता है शून्य मैं आपको दोबारा से बताती हूँ उसका मतलब होता है वॉइड यानी कि अब वे दो व्यक्ति उस समझौते से बंधे हुए नहीं है और अब वो जो समझौता था वो खत्म हो चुका है वो शून्य कानून की नजरों में अब वो शून्य है यानी कि उसका कोई मोल नहीं है जहां एक समझौते के दोनों पक्ष समझौते के लिए आवश्यक तथ्य के मामले के रूप में गलती के अधीन है तो समझौता शून्य है यानी कि अग्रीमेंट वॉइड है आप फिर देखिए मैंने कहा अग्रीमेंट वॉइड है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पर एक अनुबंध बना ही नहीं यहां पर जो समझौता ही था उसे ही बोल दिया गया क्योंकि दोनों पक्षों के दोनों पक्षों की तथ्यों को लेकर गलत समझने में गलती थी इसीलिए बोल दिया गया कि वो एक शून्य के बराबर है वो अग्रीमेंट जीरो है वॉइड है अब हम करते हैं धारा 21 के बारे में बात जो कहती है कि विधि के बारे में गलतियों का प्रभाव कोई संविदा नहीं है क्योंकि वह भारत में में प्रवृत्त किसी विधि के बारे गलती से कारित हुई थी मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है यानी कि मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ भारतीय कानून को लेके अगर कोई गलती है तो उसको हम वॉइड नहीं बोलते उसको हम नजरअंदाज उसको हम नहीं आ, बोलेंगे कि क्योंकि दोनों व्यक्तियों को एक कानून को लेकर समझने में कोई गलती हुई है तो इसी इस समझौते को साइड में रख दिया जाए ऐसा नहीं है आपको वो जानना चाहिए था नहीं जानते तो उसका कोई प्रभाव जो है वो आपके समझौते पे नहीं पड़ेगा कि भाई साहब गलती हो गई हमें पता नहीं था का भारतीय कानून इस विषय पे ये कहता है इसकी जानकारी हमें नहीं थी तो इसलिए हमें माफ कर दिया जाए कानून माफी नहीं देगा क्योंकि आपका उस कानून को जानना जरूरी है उस देश के कानून को जानना जरूरी है जहां आप रहते हैं लेकिन अब एक लेकिन है वो ये है कि भारत में लागू नहीं होने वाले कानून के रूप में एक गलती का तथ्य की गलती के समान प्रभाव पड़ता है उसका मतलब ये है कि अगर कोई मिस्टेक या गलती जो है वो किसी फॉरेन लॉ यानी कि बाहर भारत के बाहर किसी देश के कानून को लेकर है तो उसकी स्थिति भी वही होगी या उसका जो जो जिसे हम कहते हैं हश्र उसका आश्रय यही होगा जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के केस में होता है यानी कि तथ्य की गलती के समान प्रभाव पड़ता है एक उदाहरण हमने लिखा है आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसे समझने की कोशिश करते हैं ए और बी इस गलत धारणा पर आधारित एक अनुबंध बनाते हैं कि एक विशेष ऋण यानी कि लिमिटेशन जब हम विशेष ऋण भारतीय सीमा कानून द्वारा वर्जित है कि बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं टाइम बार्ड डेट टाइम बार्ड यानी कि लिमिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं मैं आपको बताती हूं वो क्या है टाइम बार्ड डेट टाइम बार डेट का मतलब यह है कि आपने एक व्यक्ति से उधार लिया उस उधार को समय के अंदर वापस नहीं किया तो अब वो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और वो जो आपको उधारी उसने दी है जिसे आपने वापस देने से मना कर दिया वो हासिल कर सकता है पर जब हम कहते हैं टाइम बार्ड टाइम बार्ड का मतलब यह है कि हमारे भारत में एक कानून है जो कहता है कि जिसे भारतीय सीमा हम ये कहना चाहते हैं कि लिमिटेशन एक्ट यानी कि जो समय सीमा बताता है कि अगर आज किसी ने आपका नुकसान किया जो लोन आपसे लिया था वापस नहीं चुकाया तो अब आगे क्या आप टाइम से कोर्ट नहीं जा पाए लिमिटेशन पीरियड यह कहता है कि जिस दिन उसने लोन चुकाने से मना कर दिया तब से लेकर आपका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया मतलब कि तब से लेकर जब तक वो लिमिटेशन पीरियड खत्म नहीं होता जो लिमिटेशन एक्ट में लिखा है आप कोर्ट कभी भी जा सकते हैं। पर अगर आप उस समय के अंतर्गत कोर्ट नहीं जाते तो उसको टाइम बार डेट करार कर दिया जाता है अब में ये लिखा है कि ए और बी इस गलत धारणा पर आधारित एक अनुबंध बनाते हैं कि एक विशेष ऋण यानी कि एक पर्टिकुलर डेट भारतीय सीमा कानून द्वारा वर्जित है उन्हें यह लगा कि वो टाइम बार डेट है जबकि वो नहीं था तो अनुबंध शून्य कर, शून्य नहीं है वो अवॉइडेबल नहीं है वॉइड तो है ही नहीं वॉइडेबल भी नहीं है ये लिखा है यहाँ पर क्यों क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ थी आखिर में धारा 22, जहां ये लिखा है कोई संविदा केवल इसलिए शून्य करणीय यानी कि वॉइडेबल आपको समझना पड़ेगा कि शून्य और शून्य कर्ण्य में डिफरेंस है यानी कि वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस होता है तो कोई संविदा केवल इसलिए शून्य कर्णीय नहीं है क्योंकि वह किसी पक्षकार द्वारा तथ्य के विषय में गलती के कारण हुई थी यानी कि जिसे हम कहते हैं यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट टर मिस्टेक ऑफ फैक्ट जब हमने धारा 20 को समझा तो हमने ये कहा कि जब बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है यानी कि तथ्यों को लेकर दोनों ही पक्षों की गलती हुई है उस तथ्य को समझने में ऐसी स्थिति में जो अग्रीमेंट है यानी कि समझौता है वो शून्य के बराबर है यानी कि वॉयड है पर यहां पर हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी एक पक्ष से गलती हुई है तथ्यों को समझने में तो उसकी भरपाई या उसका हर जाना दूसरे को नहीं भुगतना इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसलिए कोई संविदा केवल इसलिए या कोई कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसीलिए वॉइडेबल या शून्य करणीय नहीं है क्योंकि वह किसी पक्षकार द्वारा तथ्य के विषय में गलती के कारण हुई थी तो ये डिफरेंस है ये अंतर है यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट और बायोलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बीच इसी के साथ मैं ये व्याख्यान समाप्त करती हूँ धन्यवाद